तो वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। आज हम देख रहे हैं होंडा अमेज एस सीवीटी वेरिएंट है ये 8,48,000 आपको एक्स शोरूम फरीदाबाद हरियाणा के अंदर ये गाड़ी पड़ती है। एक सेडान बोल सकते हैं आप गाड़ी को, मिड साइज सेडान में गाड़ी काउंट की जाती है ये। व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, गाड़ी का लुक देख सकते हैं, गाड़ी लग के इतनी प्यारी लगी है। एक तो ना इसका जो बोनट व्यू आता है वो बड़ा प्यार लगता है, हुड थोड़ा सा ऊंचा है होंडा में इसका, यानी कि आपको कंफर्ट वगैरह तो होंडा का पता ही है कि कैसा कंफर्ट जोन वगैरह हमें होंडा गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। और कंपनीज में हमें ऑफर क्या क्या करिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैनुअल वाइपर्स मिल जाएंगे विद वॉशर, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है, बोनट व्यू अच्छा आता है इसमें देखने के लिए। रेडिएटर ग्रिल गार्निश और इंसर्ट आपको ब्लैक देखने के लिए मिलेगा, बीच में होंडा का लोगो, अपर पार्ट भी आपको गार्निश देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे इंडिकेटर हाइलोजन बेस हेडलैम्प्स मिलेंगे, फॉग लैम्प्स नहीं मिलते। नीचे आपको जो इसकी फॉग लैम्प हाउसिंग है उस पर भी गार्निश देखने के लिए मिल जाएगा। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक इसमें देखने के लिए मिलेगी, और जो लोअर पार्ट है बम्पर का वो सेम आपको वाइट ही देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आपको कुछ कुछ स्पोर्टी जैसी ये लुक देखने के लिए मिलेगी, कोने निकले हुए से मिलेंगे फ्रंट बम्पर के अंदर भी। स्टील रिम्स मिलेंगे, फ्रंट डिस्क रियर ड्रम मिलेंगे, व्हील कैप्स मिल जाएंगे सिल्वर कलर के। टायर साइज हमें 175/65/14 का मिलेगा, 14 इंच के इसमें रिम्स हैं। यहाँ पे हमें और भी मिल जाएंगे विद इंडिकेटर, सेम बॉडी कलर, एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVM मिल जाएंगे विद इंडिकेटर, ए पिलर सेम बॉडी कलर मिलेगा। पीछे आपको शार्क फिन एंटीना, बी पिलर मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा, जो डोर हैंडल्स हैं सेम बॉडी कलर मिलेंगे, रनिंग बोर्ड भी आपको बॉडी कलर में मिलेगा, रियर ड्रम मिलेंगे। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर लुक पे, तो कुछ इस तरह से रियर टेल लैम्प्स मिलेंगे, एक बार ऑन कर लेते हैं। इस तरह से LED टेल लैम्प्स मिलेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर, ये बैक लाइट, IVTEC की मार्किंग, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए, होंडा का लोगो, यहाँ पे अमेज की मार्किंग, यहाँ पे आपका जो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, आपका शार्क फिन एंटीना, जो बम्पर का लोअर पार्ट है इस पर भी आपको गार्निश देखने के लिए मिल जाएगा, और 2 रिफ्लेक्टर। इस साइड आपका फ्यूल टैंक, सेम बॉडी कलर, डोर हैंडल्स। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तरह की मिल जाती है विद सेंटर लॉकिंग्स, एक की आपको डमी की मिलेगी प्लेन, और इसमें आपको सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करते हैं तो आपको ब्लैक और वेज कलर का इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, सराउंडिंग डोर ओपनर और लॉक अनलॉक के बटन के यहाँ। यहाँ पे ORVM कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर ऑटो अप डाउन मिलेगा, 3 पावर विंडो मिलेंगी चाइल्ड लॉक के लिए, ड्राइवर ट्री में आर्मरेस्ट हार्ड टच में मिलेगा, ये थोड़ा फैब्रिक सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिलेगा ये वाला पार्ट, डोर एक्सेस एंड स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी सेमी फैब्रिक्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ आपके 2 पैंडल्स, ब्रेक और एक्सीलेटर और एक डेड पैंडल। यहाँ फ्यूल टैंक खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए, हेडलाइट हाइट एडजस्ट के लिए। यहाँ पे आपका AC वेंट सराउंडिंग सिल्वर देखने के लिए मिलेगा, गेट भी आप इसका यहाँ से ओपन कर सकते हैं। विदाउट एनी रैप स्टेयरिंग मिलेगा हमें 3 स्पोक में, सिल्वर भी देखने के लिए मिलेगा स्टेयरिंग पे, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ मिलेगी, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे, स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे फोन उठाने काटने के और इंफोटेंट सिस्टम के। यहाँ पे आपका टोटल 2 एयरबैग्स मिलेंगे, ये सिल्वर मिलेगा ब्लैक के सराउंडिंग, यहाँ भी आपको सिल्वर और ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने मिलेगा, होंडा का लोगो। यहाँ पे आपका मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल, यहाँ वाइपर कंट्रोल्स, और एक बार इसका मीटर ऑन कर लेते हैं, इसे चाबी लगाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा, पूरा एनालॉग स्पीड मीटर, एनालॉग RPM, एनालॉग बीच में एक MID मिल जाएगी। यहाँ पे आपका फ्यूल गेज है, यहाँ नोटिफिकेशन आएंगी, और कुछ इस तरह से बोनट व्यू देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी का। अब मैं इसका जानते हैं बोनट व्यू ठीक मिलता है इस रेंज सेगमेंट पे, बोनट व्यू अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे 2 AC वेंट, यहाँ पे भी आपको गार्निश और सिल्वर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, इनके इंसर्ट। यहाँ पे एक आपको 2-DIN म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ पे हजार लाइट का बटन, इसमें आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, फोन पर आप बातचीत कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी यूनिट, यहाँ पे आपका AC मोड्स, यहाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, एक USB पोर्ट, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, 2 का पोर्टर्स मिल जाएंगे, CVT ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे भी डैशबोर्ड पे भी आपको सिल्वर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा जैसे देख रहे होंगे, बीच में ब्लैक, ऊपर मैनुअल डिमिंग IRBM मिलेंगे। यहाँ पे वेंटी मिरर मिल जाएगा, इस साइड आपको प्लेन मिलेगा, ड्राइवर साइड भी ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, टोटल 4 ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे इसमें। जैसे ही पैसेंजर डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, ग्लास अप डाउन करने के लिए डोर एक्सेस हैंडल,
बीच में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा, विट टू का फोल्डर्स, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, रीडिंग लाइट मिल जाती है, दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, एड ऑन हेडरेस्ट मिलेंगे, पूरा आपको बेंच सीट मिलेगी, बट हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल ही मिलेंगे, वो आपको एड ऑन ही मिलेंगे। जैसे टेलगेट ओपन करते हैं तो तकरीबन 420 लीटर का हमें इसमें बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है होंडा अमेज के अंदर। यहाँ स्पेयर व्हील और आपका टूल्स, लाइट वगैरह तो नहीं देगी बट बूट स्पेस हमें अच्छा मिल जाता है देखने के लिए। भाई ये तो आपका होंडा अमेज का इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। गाड़ी कैसे लिखा मैंने बताया, वीडियो कैसे लिखा मैंने बताया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक डाटा बाय बाय।